हेलो हेलो। हेलो। अरे आवाज आ रही हेलो। है? हाँ गुड जी, इवनिंग। डाउट है कोई? है क्वेश्चंस करे कल तो हो गए तो कल से क्या है? कल से क्या उसी पे पढ़ाएंगी? ठीक है, कल क्या से था? क्लास प्लस पे अच्छा है ना। अब जब ले ही लिया है, पैसे खर्च कर ही दिए, तो उससे ही पड़ा है ना। देख, लाइट ठीक आ रही है या शेडो आ रहा है? शेडो आ रहा शेडो है ना। पार्ट चल जाएगा, काम है? चल जाएगा। काम मतलब इसको बंद करके ज्यादा अच्छा है हाँ आप ठीक लाइट हो? को है? हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब ज्यादा ठीक। ओके okay. कहाँ पहुंच गए थे हम? लोइस एसिड पढ़ रहे थे ना। सही है ना? तो डाल लोइस एसिड। तो ये बच्चे क्लास चालू करा गए हमसे, अब फिर गायब। आज ये गायब हुई तो बस इसकी खैर नहीं है। क्या हुआ हेलो, सर? आ गई। हमने ना वो एक तेरे को लिंक भेजा है, तू ना उस पे ज्वाइन कर लियो। हम इसको टीचमेंट को बंद करेंगे और वो क्लास प्लस पे लेना शुरू करेंगे। ठीक ओके सर, जूम में क्या प्रॉब्लम है? है? जूम में मतलब जूम में क्लास रिकॉर्ड नहीं होती। जूम से भी ओके पढ़ा, जूम से भी पढ़ा सकते हैं। कल जूम बार जूम के थ्रू भी पढ़ा सकते, जूम के थ्रू भी पढ़ा सकते। ओके,
लुइस एसिड। हम सोच रहा है तू आएगी नहीं, आज आई नहीं तो बस तुझे छोड़ते रहिए मैं, अगर तू नहीं आती ना तो तेरे को छोड़ते लुइस एसिड लिखो भैया। हमें लग रहा था कि आ जाएगी नहीं, देर होगी। 5:02 हुए। अच्छा 2 मिनट ही लिखो। लुइस एसिड, लुइस एसिड का पहला कंसेप्ट है ऑल कैटायन। ऑल कैटायन एक्ट एज लुइस एसिड। ओके, अगर कोई भी कैटायन होगा तो वो लुइस एसिड का काम करेगा। एग्जाम्पल एच प्लस भी हो सकता है, एन ए प्लस भी हो सकता है, ठीक है, और कोई भी हो सकता है। तो जिस पे भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए वो कैसा होगा? क्या फर्क नहीं, ठीक है। अब यहां पर एक नोट देखना, ये जो एन एच फोर है ना, इसके ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज, पर नाइट्रोजन के पास में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नॉट कंटेन एनी वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, इसके पास एक भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से ये लुइस एसिड का काम नहीं करेगा। ओके, और लुइस बेस हम नहीं, ये कुछ भी नहीं है, पर घर ही ली नहीं। तो ये न्यूट्रल है ना, लुइस एसिड है ना लुइस बेस। ओके, नंबर टू फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल कंटेन, मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। जो भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होंगे, ठीक है ना, वो भी लुइस एसिड का काम करेंगे। तो जैसे BCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन है, BCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये लुइस एसिड का काम करेगा। AlCl3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये लुइस एसिड का काम करेगा। तो बताओ क्या ये SnCl2 लुइस एसिड का काम करेगा क्या? यस सर। हाँ, इसके पास लॉन पेयर है, पर क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये लुइस एसिड ही होगा। लॉन पेयर देखकर फंस मत जाना, मतलब फंसाने के लिए ही। क्लियर, आगे बढ़े। थर्ड कंसेप्ट ये है कि मॉलिक्यूल एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, मॉलिक्यूल एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। जो मॉलिक्यूल अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं, जो मॉलिक्यूल अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है ना, वो भी लुइस एसिड का काम करता है। पर यहां पर आकर डाउट ये आता है कि कौन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करेगा। तो हमने आपको केमिकल बॉन्ड में बताया था कि जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, और थर्ड और फोर्थ पीरियड वाला 6 बॉन्ड, और 5 और 6 पीरियड वाला 8 बॉन्ड बना सकते। तो इससे हम देखेंगे कि वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है या नहीं। तो अगर उसकी ऑक्टेट में मतलब एक्सपेंड करने के लिए जगह है तो फिर वो लुइस एसिड का काम करेगा। देखना PCl5, PCl5 ने फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, और कितने बॉन्ड बना सकता है? ये बना सकता है 6। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन लेकर PCl6- में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये PCl6- में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये लुइस
ये लुइस बेस का काम करे, क्लियर। अगर हम SF6 को देखें तो SF6 लुइस बेस का काम नहीं कर सकता, लुइस एसिड का, क्योंकि सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है और इसने 6 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये लुइस एसिड का वर्क नहीं कर सकता। क्लियर, क्लियर है? थर्ड पॉइंट में किसी को डाउट है? नो सर। आगे बढ़े, हम देखते हैं फोर्थ कंसेप्ट, और फोर्थ कंसेप्ट को हम इधर लिख रहे हैं, आप लोग अपनी नोटबुक में कंटिन्यू रखना। फोर्थ बढ़े, तो फोर्थ का कंसेप्ट है अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। पर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल भी कौन से? अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होने चाहिए हेटरोजेनियस, हेटरोजेनियस, ओके। हेटरोजेनियस का मींस है पाई बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एटम। अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है तो उसे हेटरोजेनियस अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ओके। एग्जांपल, वो हमको ऐसे एग्जांपल दे देगा, क्या SO3 और CO2 में से कौन लुइस एसिड हो सकता है? दोनों होंगे, तो दोनों ही होंगे क्योंकि दोनों में ही डबल बॉन्ड है, और ये क्वेश्चन SO3 वाला सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नीट, JEE, नेट, नीट सब में आ चुका है। अब अगर आपको इस उम्र में भी ये क्वेश्चन याद नहीं है तो ये आपकी कमी है। तो आप फोर्थ कंसेप्ट लिख लिया, क्लियर। अब आप लुइस बेस में इस फोर्थ का लुइस बेस वाले कॉलम में लिख लो कि अगर ये हेट्रो के बजाय होमोजेनियस हुआ, कैसा हुआ? होमोजेनियस, तो फिर लुइस बेस का काम करेगा, और लुइस बेस को ही न्यूक्लोफाइल भी कहते हैं। हेलो।
हेलो। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, हेलो तुम फिर लेफ्ट ग्रेड का पढ़ने या फर्स्ट ग्रेड का पढ़ने? कुछ हेलो, आवाज दिख ही नहीं रहा सर। अब नहीं आ रही? आ रही है आवाज। आ रही है? जी आप देख नहीं रहा? देखने लगा कि नहीं? सर, आप लैग हो गए आप देख रहा है भैया? आज सर। आज झेलो, कल से नहीं झेलोगे। कल 1,000 रुपये वाला फोन है। ठीक है, देख रहा है? जी हम वापस से स्टार्ट कर देते हैं क्लास, है ना?